दोस्तों डंकी फिल्म को देखते हुए बॉलीवुड के हीरो गोविंदा बोलते हैं कि राजकुमार हिरानी ऐसे फिल्म ला रहे हैं जो कि फिल्म नहीं है, कि इमोशन है जो राजकुमार हिरानी हम लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और इस बार राजकुमार हिरानी एक ऐसे कहानी शेयर कर रहे हैं जिसमें चार दोस्तों इलीगल तरीके से विदेश जाने की सोचते हैं। और इस बार डंकी में जो भर भर के इमोशन डाले गए हैं जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया इस फिल्म को याद रखेगी, क्योंकि डंकी एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है। और इसमें जो छोटी छोटी स्टोरी राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म के अंदर डाले हैं वही है पहाड़ जिसका नाम डंकी है। तो और गोविंदा बोलते हैं कि डंकी वैसी फिल्म है जिसके सामने ना ही सलार टिकेगी और ना ही केजीएफ। इस बार जो डंकी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने वाला है शायद उसके करीब केजीएफ भी नहीं जा पाएगी और सलार की तो बात दूर की है। कि राजकुमार हिरानी इस बार ऐसे स्टोरी लाने वाले हैं लोगों को जरूर पसंद आएगी और डंकी इस साल की नहीं बल्कि बॉलीवुड की अब तक की सबसे नंबर वन फिल्म बनकर ही रहेगी और बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनाने वाली है। और आपको बता दें कि डंकी में चार ऐसे दोस्त की कहानी है जो अपने देश छोड़कर लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि लंदन जाने के लिए आपको कुछ तो खिचड़ी जरूर पकानी पड़ेगी। और इस चक्कर में चारों दोस्त बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं जिसके बाद उन्हें बहुत बुरी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इस बार जो राजकुमार हिरानी की प्रेजेंटेशन है वो लोगों को जरूर पसंद आने वाली है, क्योंकि डंकी में हम एक कॉमेडी भी देखने को मिलेगी और साथ में एक्शन के साथ साथ इमोशन भी देखने को मिलेगी। और यानी कि कहीं ना कहीं डंकी एक मिक्सचर फिल्म होने वाली है और इस बार डंकी को 1000 करोड़ कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि डंकी इस बार बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाकर ही मानेगा। वैसे देखते हैं कि आखिर डंकी बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन करती है। वैसे आपको क्या लगता है कि डंकी बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।